तो राम राम भाई सारे ने। तो भाई जब कई बार रील गिरा करूँ ने जो कंडीशनल वर्कआउट हुआ यार एथलीटा का पहलवान का जो जिस स्टाइल था वेट मारे यार वे एक्सप्लोजिव मूवमेंट आती तो बहुत सारे भाई कमेंट आया भैया प्रॉपर बताओ इस चीज़ ने, क्योंकि देखो सब ने बेरा भी कोने उस चीज़ का, सब ने के बेरा आया है इंडिया में इतना बूंदा दिमाग में बांट दिया बाहर देश वाला ने, चार सटियाँ मारने चार ये मारने बारह रैप मारनी है और थारा वर्कआउट खत्म। चलो उसमें थारी मसल भरी हो चाहे ना भरी हो कोई मतलब ही नहीं हो रहा, फिर नुकाऊंगे बॉडी में कोई इफेक्ट ही नहीं दिख रहा कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो भाई आज दिखाऊंगे आपने मार दो रही हो इतना वेट है 15 kg डंबल है 10 kg ये है और ये 5-5 kg है और 2-10 kg में प्लेट कर रही है वेट मेरा वो ना भाई। सब तो पहला भाई हमें थोड़ा वार्म अप थी ये 5-5 kg डंबला गला जंप ले आऊंगे करेंगे क्लीन एंड जर्क भाई। यह तो मोस्टली हर एक गेम में यूज होगा तो कोई कुश्ती बॉक्सिंग रेसलिंग और ये क्या कह रहा है रनिंग पनिंग सब क्या में यूज हो गया था भाई। तो इसके भाई आप चार चार पाँच पाँच सेट मारेंगे 15-20 रेपिटेशन अपनी अपनी आसन के हिसाब से मारो। और ये वर्कआउट है ना जो हमारा ग्राउंड वर्कआउट हो यार ना पहला वो करके उसके बाद लास्ट में होंगे ये रोड डंड सपाटे बीम रस्से पसे सब कुछ करे बाद लास्ट में ये होंगे। दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं भैया देखो नाम नूम तो ना मेरा इसका इसके भी सेम वे अपने 5-4 सेट मार लिया बढ़िया 15-20 रेपिटेशन खींच के। तो ये एक्सरसाइज मसल बिल्डिंग देना होती भाई जो मतलब जिसने ना बेरा उस तो बताऊं भाई ये मसल बिल्डिंग थी ना ये एक्सरसाइज ये जो गरीब बॉक्सिंग वाला उसने भी झटका सी अपने हाथ में रेसलिंग वाला उन्हें भी झटका सी अपने हाथ में ठाण का किंगन भी ये उन चीज़ा थी हैं अगली एक्सरसाइज किया कर रहे हैं भाई देखो तो भाई पूरी पूरी दिखा ना सकते पूरी पूरी दिखाने में तुम नहीं फिर वीडियो 1.5 घंटे में चली जाएगी जिससे कोई फायदा को नहीं। अगली एक्सरसाइज देखो भाई और भाई बेरा के है बॉडी बनाने वाले की ना कहता मैं जिसने सिर्फ बॉडी बनानी है पर अगर किसी ने गेम करना है तो उसकी वेट ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खाली डंड सपाटा में उसकी तान ना बाजे इस बात ने मानो या मत मानो तारी मर्जी है, बाकी जो बात सच्ची बात बताऊँ मैं तो वेट ट्रेनिंग तो चाहिए चाहिएगी। ले भाई एक्सी अगली एक्सरसाइज करेंगे आई नहीं वेटेड आई नहीं है या करूँगा देखो
एक बार नूर बताइयो बड़ी डाडी बड़ी अलग है अब छोटी करवाओ। अगली एक्सरसाइज करेंगे शोल्डर रोटेशन भाई, एक प्लेट ले ली ठीक है, 15 एक साइड 15 एक साइड। यह एक्सरसाइज भाई हमारी जो शोल्डर की छोटी मसल हो रोटेटर कफ हो रहा है उन ट्रेन करती हो रहा है, हम शोल्डर प्रेस वगैरह ये कर रहे हैं उनमें इतनी ट्रेन ना हो पाती वह चीज़, पर इनमें प्रॉपर ट्रेन हो जाए भाई। अगली एक्सरसाइज भाई याद है बहुत ज़्यादा देखी होगी आपने, ये जो एक्सरसाइज हैं इनके सेट नहीं होते, मतलब ये तो नू है मैक्सिमम रैप काटो इनमें, तो जितनी मैक्सिमम रैप काटो उतना बढ़िया है। हाँ तो वे पहला रोड एक्सरसाइज थी वे सेटा में होंगी क्योंकि वे इतनी ज़्यादा जाए ना सकती है, एक्सप्लोजिव मूवमेंट है ज़्यादा होए को ना तो सेटा में करनी पड़ेगी, बाकी नाप बढ़ा सको कितने भी। अगली एक्सरसाइज यह भाई ये भी अपने सोच हो गए पसाब सा, जितने लंबे खच्चा ना सेट की उतने लंबे खींचो उतना बढ़िया भाई। और होती तो कोने मसल बिल्डिंग थी पर फिर भी मसल बिल्ड होए जा क्योंकि बॉडी का तो सीधा सा भाई सिस्टम हुआ है, मसल ने पिटो और उन्हें न्यूट्रिशन दो बस बनी बॉडी। एक भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हुआ है, अपना पानी प्रॉपर पीते रहे यार, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगली एक्सरसाइज देखो यार, बहुत बार देखी होगी आपने मेरी वीडियो में भी, आज इसमें वीडियो में भी देख लियो ना। तो ये एक्सरसाइज भाई देखने में आपने लगती कि फालतू की है, पर ये फालतू की ना, ये बहुत ज़्यादा काम की है, गेम के प्रोस्पेक्टिव तय गेम के नज़रिए तो ये बहुत काम की है। खाली बॉडी बनानी है तो भाई ये आपके कोई काम की नहीं है। अगर हाँ भाई सोखती करना चाहो हो, अपनी मसल में पावर चाहो हो, एंडोरेंस चाहो हो कि मसल आपकी लंबे टाइम तक काम करने की क्षमता रखे, इब के जिम में जो मतलब वर्कआउट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, डंबल मार के मसल ने भर लिया है जित भर की उड़े रुक गया, पर इन चीज़ों में क्यों हुआ है मसल भर है को ना भाई, लंबे टाइम तक काम करने की क्षमता पैदा कर लेगी वो, अपने आप में डेवलप कर लेगी, अपने आप में मसल इंडोरेंस बढ़ जाएगी आपकी,
और भाई जिसने जिसा डाल गई सबकी अपनी अपनी कंडीशन हो, जितने जिसा वर्कआउट करना उसा करो भाई। किसी ने अपने पावर चाहिए एंडोरेंस चाहिए वो अपने डाला था करो भाई वर्कआउट। मैं तो एक चीज़ दिखाना चाहूँ था अपने नुनू ये चीज़ हो यार। और भाई हंसते रहो खेलते रहो और मेहनत करते रहो, जाते जाते फिर एक के बाद कहूँगा भोले बाबा जैसा किसी में दम नहीं, देसी किसी कम नहीं। जय बाबा की।